हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज के पांच इंग्लिश शब्द जो हम समझने जा रहे हैं वो है सरफेस, यू टू, शैल, कंसोल और बैनियन। इन पांच इंग्लिश वर्ड्स के एग्जांपल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है सरफेस। सरफेस का हिंदी में मतलब होता है सतह। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सतह, तो वहां पर आप सरफेस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, द सरफेस वॉज वेरी हार्ड, यानी सतह बहुत सख्त थी। दूसरा एग्जाम्पल, पीपल लिव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मतलब लोग पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, द सर्फेस ऑफ द रोड वॉज शाइनिंग, यानी सड़क की सतह चमक रही थी। चौथा एग्जाम्पल, नील आर्मस्ट्रांग स्टूड ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, मतलब नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर खड़ा था। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो, तो अ फॉलन लीफ फ्लोटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, यानी एक गिरी हुई पत्ती पानी की सतह पर तिर रही थी। फ्रेंड्स, सरफेस शब्द का दूसरा मतलब होता है नीचे से सतह तक ऊपर आना। और यहाँ पर जिस सतह की बात कर रहे हैं वो पानी भी हो सकता है या जमीन भी हो सकती है। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो नीचे से पानी या जमीन की सतह तक ऊपर आना, तो वहां पर आप सरफेस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको इसे दो शब्दों में दर्शाना हो तो प्रकट होना हो सकता है। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही सर्फेस्ड आफ्टर डाइविंग इनटू द वाटर, यानी वह पानी में गोता लगाने के बाद ऊपर आया। तो जब वो बंदा पानी में गोता लगा रहा है तो वो नीचे जा रहा है, और जब वो ऊपर आ रहा है तो वो पानी की सतह तक पहुंच रहा है। तो इस क्रिया को हमने सरफेस शब्द से दर्शाया। दूसरा एग्जाम्पल, द सबमरीन सर्फेस्ड आफ्टर गोइंग डीप इनटू द वाटर, मतलब पानी में गहराई तक जाने के बाद सबमरीन ऊपर आई। फ्रेंड्स, सरफेस शब्द का तीसरा मतलब होता है बाहरी दिखावा, और ये ज्यादातर हम व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इंसान का बाहरी दिखावा ऐसा बोलने के लिए भी हम सरफेस शब्द को यूज करते हैं। आइए इसका दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ऑन द सरफेस टॉम अपीयर्ड अ नाइस पर्सन बट इन रियलिटी ही वॉज नॉट लाइक दैट, यानी ऊपर से टॉम एक अच्छा व्यक्ति दिखाई दिया लेकिन वास्तव में वो वैसा नहीं था। तो टॉम के ऊपरी दिखावे को दर्शाने के लिए हम सरफेस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ऑन द सर्फेस ही अपीयर्ड एन इनोसेंट पर्सन बट इन रियलिटी ही वॉज नॉट इनोसेंट, मतलब ऊपर से वह एक निर्दोष व्यक्ति दिखाई दिया लेकिन वास्तव में वह निर्दोष नहीं था। फ्रेंड्स, सरफेस शब्द का चौथा मतलब होता है सामने आना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सामने आना, तो वहां पर भी सरफेस शब्द लगता है। आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, आफ्टर गोइंग इनटू हाइडिंग फॉर 2 months ही सडनली सर्फेस्ड वन डे, यानी 2 महीने तक छिपने के बाद वह अचानक एक दिन सामने आया। दूसरा एग्जाम्पल, द इश्यू ऑफ द इन्फेक्टिंग वायरस सर्फेस्ड टू द वर्ल्ड आफ्टर 2 months, मतलब संक्रमित वायरस की खबर 2 महीने बाद दुनिया के सामने आई। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द या कह सकते हैं मुखड़ा, जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है यू टू। यू टू का हिंदी में मतलब होता है तुम भी। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तुम भी, तो वहां पर आप यू टू मुखड़े का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, यू टू कैन बिकम लाइक हिम, यानी तुम भी उसकी तरह बन सकते हो। दूसरा एग्जांपल, यू टू कैन कम विद मी, मतलब तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। तीसरा एग्जांपल, यू टू वर इनवाइटेड टू द पार्टी, यानी आप भी पार्टी में आमंत्रित थे। चौथा एग्जांपल, आर यू गोइंग टू, मतलब क्या तुम भी जा रहे हो। और इसका लास्ट एग्जांपल दो, तो यू टू कैन गो टू द मूवी, यानी आप भी फिल्म देखने जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यू टू मुखड़े का दूसरा मतलब होता है आपको भी। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो आपको भी, तो वहां पर आप यू टू मुखड़े का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, यू टू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द वायरस, यानी आपको भी वायरस से सावधान रहना होगा। दूसरा एग्जाम्पल, यू टू हैव बीन कॉल्ड, मतलब आपको भी बुलाया गया है। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है शैल। शैल एक भविष्यकाल को व्यक्त करने वाली क्रिया है। तो अगर आपको भविष्यकाल के वाक्य बनाने हो, तो वहां पर शैल एक सहायक क्रिया की तरह आप लगा सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, आई शैल गो टू द जिम टुमारो, यानी मैं कल जिम जाऊंगा। दूसरा एग्जांपल, आई शैल स्टे इन द हाउस ड्यूरिंग द लॉकडाउन, मतलब मैं लॉकडाउन के दौरान घर में रहूंगा। तीसरा एग्जांपल, आई शैल कम टू द ऑफिस टुमारो, यानी मैं कल ऑफिस आऊंगा। चौथा एग्जांपल, व्हेन शैल वी ईट, मतलब हम कब खाएंगे। और इसका अगर लास्ट एग्जांपल दो, तो व्हेयर शैल वी मीट, यानी हम कहां मिलेंगे।
फ्रेंड्स शैल शब्द को एक मजबूत इरादा व्यक्त करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको कोई मजबूत इरादा व्यक्त करना हो तो वहां पर भी आप शैल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, दे शैल सक्सीड, यानी वे सफल होंगे। तो यहाँ आप अपना इरादा व्यक्त कर रहे हो और वो भी बहुत ही मजबूत तरीके से व्यक्त कर रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल, दैट डे शैल कम, मतलब वो दिन आएगा। फ्रेंड्स शैल शब्द को हम आदेश या निर्देश देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको आदेश या निर्देश देना हो तो वहां पर भी शैल शब्द लगता है। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, एवरीवन शैल एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी हर कोई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। तो सपोज आप किसी बड़े पद पर बैठे हो और आपको सारे कंपनीज को निर्देश देना है कि उन्हें उनके कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, तो वहां पर आप ऐसा कुछ वाक्य बोल सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल, यू शैल हैव एन आंसर टुमारो, मतलब कल आपके पास एक उत्तर होगा। फ्रेंड्स शैल शब्द को हम सुझाव या प्रस्ताव वाले सवालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी को सुझाव या प्रस्ताव देना है या अगर किसी को कोई चीज पेश करनी हो तो वहां पर भी आप शैल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे दो एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल, शैल आई ब्रिंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी क्या मैं आपके लिए एक ग्लास पानी लाऊं। तो आप यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति को कुछ पेश कर रहे हो तो वहां पर आपने शैल शब्द का इस्तेमाल किया। दूसरा एग्जांपल, शैल आई गिव यू समथिंग टू रीड, मतलब क्या मैं आपको पढ़ने के लिए कुछ दूं। फ्रेंड्स आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है कंसोल। कंसोल का हिंदी में मतलब होता है सांत्वना देना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सांत्वना देना तो वहां पर आप कंसोल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, गो एंड कंसोल हिम, यानी जाकर उसे सांत्वना दो। दूसरा एग्जांपल, आई ट्राइड टू कंसोल हिम बट ही केप्ट क्राइंग, मतलब मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की लेकिन वह रोता रहा। तीसरा एग्जांपल, एवरीवन वाज कंसोलिंग हिम, यानी हर कोई उसे सांत्वना दे रहा था। चौथा एग्जांपल, टॉम इज कंसोलिंग मेरी, मतलब टॉम मेरी को सांत्वना दे रहा है। और इसका अगर लास्ट एग्जांपल दूं तो वी कंसोल्ड ईच अदर, यानी हमने एक दूसरे को सांत्वना दी। फ्रेंड्स कंसोल शब्द को हम दिलासा देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको किसी को दिलासा देना हो तो वहां पर भी कंसोल शब्द लगता है। इसे दो एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल, व्हेन ही वाज सैड आई ट्राइड टू कंसोल हिम, यानी जब वो उदास था तो मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की। दूसरा एग्जांपल, आई ट्राइड टू कंसोल हिम बट ही पुश्ड मी अवे जेंटली, मतलब मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे धीरे से धक्का दे दिया। फ्रेंड्स कंसोल शब्द का तीसरा मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रखने के लिए एक पैनल या यूनिट। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रखने के लिए एक पैनल या यूनिट, तो वहां पर भी कंसोल शब्द लगता है। इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, डू नॉट पुट एनी ऑब्जेक्ट्स ऑन द कंसोल, यानी किसी भी वस्तु को कंसोल पर ना रखे। तो हम यहाँ पर इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि कोई वस्तु वहां ना रखे क्योंकि वहां पहले से ही कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मौजूद है और उसे हम बिगाड़ना नहीं चाहते। दूसरा एग्जांपल, द निंटेंडो डीएस इज अ पॉपुलर हैंडहेल्ड कंसोल, मतलब निंटेंडो डीएस एक लोकप्रिय हैंडहेल्ड गेम कंसोल है। फ्रेंड्स आज का लास्ट शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है बैनियन। बैनियन का हिंदी में मतलब होता है बरगद। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बरगद तो वहां पर आप बैनियन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, देयर वाज अ बिग बैनियन ट्री, यानी एक बड़ा बरगद का पेड़ था। दूसरा एग्जांपल, देयर वाज अ बैनियन ट्री इन द टेंपल, मतलब मंदिर में एक बरगद का पेड़ था। तीसरा एग्जांपल, बैनियन ट्रीज बिकम वेरी बिग, यानी बरगद के पेड़ बहुत बड़े हो जाते हैं। चौथा एग्जांपल, पीपल यूज बैनियन लीव्स टू ट्रीट डिजीजेस, मतलब लोग बीमारियों के इलाज के लिए बरगद के पत्तों का उपयोग करते हैं। और इसका अगर लास्ट एग्जांपल दूं तो पीपल वर रेस्टिंग अंडर अ बैनियन ट्री, यानी लोग एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। फ्रेंड्स अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो पांच शब्द हमने इस वीडियो में देखा ऊपर विकल्प के तौर पर दिए गए हैं, आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डैश कैन सेल योर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, यानी डैश अपने उत्पादों को बाजार में बेच सकते हो। तो यह शब्द लगेगा
You too can sell your products in the market. तुम भी अपने उत्पादों को बाजार में बेच सकते हो. दूसरा question, tomorrow I dash be reaching Mumbai. मतलब कल मैं मुंबई पहुंच dash. तो यह शब्द लगेगा. Shall, tomorrow I shall be reaching Mumbai. कल मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा. तीसरा question, I was not able to dash him. यानी मैं उसे dash नहीं दे पा रहा था. यह शब्द लगेगा. Console, I was not able to console him. मैं उसे सांत्वना नहीं दे पा रहा था. चौथा question, Water makes up most of the earth's dash. मतलब पानी पृथ्वी की अधिकांश डैश को बनाता है. तो यह शब्द लगेगा. Surface, water makes up most of the earth's surface. पानी पृथ्वी की अधिकांश सतह को बनाता है. अगला question, A huge dash tree stood in front of the house. यानी घर के सामने एक विशाल डैश का पेड़ खड़ा था. तो यह शब्द लगेगा. Banyan, a huge banyan tree stood in front of the house. घर के सामने एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था. अगला question, dash can become a doctor. मतलब dash डॉक्टर बन सकते हो. तो यह शब्द लगेगा. You too can become a doctor. तुम भी डॉक्टर बन सकते हो. अगला question, I dash called you 2 hours later. यानी मैं आपको 2 घंटे बाद call dash. तो यह शब्द लगेगा. Shall, I shall call you 2 hours later. मैं आपको 2 घंटे बाद कॉल करूंगा. अगला क्वेश्चन, If you dash him, he will feel good. मतलब अगर आप उसे डैश देंगे तो उसे अच्छा लगेगा. तो यह शब्द लगेगा. Console, If you console him, he will feel good. अगर आप उसे सांत्वना देंगे तो उसे अच्छा लगेगा. अगला क्वेश्चन, The dash tree gives us shade. यानी डैश का पेड़ हमें छाया देता है. तो यह शब्द लगेगा. Banyan, The banyan tree gives us shade. बरगद का पेड़ हमें छाया देता है. और आज का लास्ट क्वेश्चन, You can easily sit on this dash. मतलब आप इस डैश पर आसानी से बैठ सकते हैं. यह शब्द लगेगा. Surface, You can easily sit on this surface. आप इस सतह पर आसानी से बैठ सकते हैं. फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर को और भी बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो मैंने इसके लिए एक ईबुक बनाया है और आप इसे मेरे ऑनलाइन स्टोर से बहुत ही कम दाम में परचेज कर सकते हो. जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें मैंने सारे नोट्स हिंदी में बनाए हैं. लास्ट में मैंने एक्सरसाइज भी रखा हुआ है और इससे आपको पता चलेगा कि आपको इस लेक्चर से कितना समझ आया. मैं इस ईबुक का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूं. और जिन जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो का नोट्स खरीदा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद. जब आप ऐसे करते हैं तो आपको भी मदद मिलता है और इससे मुझे भी वीडियोज बनाने में प्रेरणा मिलती है. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा. ये 5 वर्ड्स थे सरफेस, यू टू, शैल, कंसोल और बैनियन. अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मत मिला हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए. आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस भी दे सकते हैं. अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे ही आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे. पिछले वीडियो का सवाल, यू हैव डैश गॉट द प्रमोशन. मतलब आपको डैश प्रमोशन मिल गया है. तो यह शब्द लगेगा. फ्रेंड्स, अगर आपको इस सवाल का जवाब पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दीजिए. और अगर आपको इस सवाल का जवाब ना पता हो तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं. उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में रखा हुआ है. उस वीडियो को देखकर आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.